गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी टाइम आई थिंक 12 बजने वाले हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ मैं अपडेट शेयर कर दूँ। लास्ट 7 डेज से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है, कोई वीडियो नहीं डाला है। तो आप सबको जैसा मैंने बताया अभी 2 दिन पहले कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसी से रिलेटेड सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हुआ, अचानक क्यों एडमिट करना पड़ा। तो मैं आज वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, बट आज नींद नहीं आ रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी इस वक्त मैं हूँ अपने इन लॉज के यहाँ पर, तो वहीं से ये वीडियो बना रही हूँ रात को 12 बजे। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो हम होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा कर आए थे, तो उसने बताया था कि ब्लड की कमी आई है। तो फिर उसके बाद हमने वो न्यू दवाई ले ली थी उसकी, जो उसने दवाई दी थी, बट हमें ऐसा लगा कि उसकी दवाई से कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने उसकी दवाई बंद कर दी। सोनोग्राफी उसने जो करवाई थी 3 महीने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराई, उसके बाद ब्लड की कमी आई, तो उसके बाद फिर हम दवाई लेकर आए और एक दिन वो दवाई ली, फिर हमने वो दवाई नहीं ली, हमने वो दवाई बंद कर दी। हम लोगों को लगने लगा कि शायद ये दवाई असर नहीं कर रही है, इसलिए हमने वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया। अब उस ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। तो हम लोगों ने सोचा किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। फिर मेरे फादर इन लॉ को हमने बताया, तो फिर वो एम्स गए थे, वहाँ का अपॉइंटमेंट लिया। इनको वहाँ पर लेकर गए तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आई ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे को रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, कम मतलब बहुत कम हो चुका है, एडमिट करना पड़ेगा और कोई रिस्क नहीं ले सकते। 5 दिसंबर को हमें एडमिट करना ही पड़ा उनको, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे हम। विटामिन B12 की कमी आई है बहुत ज़्यादा उनमें, और थोड़ा सा थायराइड भी बढ़ गया है, सिर्फ और सिर्फ ये उसकी वजह से हुआ है, विटामिन की कमी की वजह से ये सब कुछ हो गया है। क्योंकि उस डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चला, उस डॉक्टर ने सब कुछ खाने को मना कर दिया था, टोटल सब कुछ, तो कुछ बॉडी में जा ही नहीं रहा था, ओनली सिर्फ रोटी और हल्का सा खाना और सिर्फ लाइट मिर्च मसाले, इससे बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है बॉडी, तो वो ट्रीटमेंट करवाने से तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अब हमें एम्स का ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और अभी वो 2 दिन से एडमिट है। अब 7 दिसंबर स्टार्ट होने वाली है, 5th और 6th 2 दिन हो चुके हैं हॉस्पिटल में। तो घर चली जाती हूँ मेरे फादर इन लोग के साथ, और फिर रात को मैं वापस आ जाती हूँ, घर पर आ जाती हूँ 7:30 बजे के समथिंग, और फिर सुबह फिर चली जाऊँगी। तो ये सब शेयर करना था। सब लोग बहुत पूछ रहे थे अचानक से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम हुआ है ब्लड का ही हुआ है, बहुत कम हो गया है। एम्स के डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि बॉडी में खून सूख गया है, और वो गुस्सा भी कर रहे थे वो लोग डॉक्टर के, ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिसने सब कुछ खाने को मना कर दिया। अब वो तो डांटेंगे ही, तो गुस्सा तो किया डॉक्टर्स ने, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने अच्छा किया, सही टाइम पर वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया और अब इधर पहुँच रहे हैं। फिर मेरे फादर इन लॉ ने बोला कोई रिस्क नहीं ले सकते, एम्स यहाँ पर जोधपुर में सबसे बड़ा एम्स ही है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो अगर वो केस अगर थोड़ा बिगड़ जाता है तो वो एम्स में ही रेफ़र करते हैं। इसलिए हमने सोचा एम्स में ही चलते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। पर टेस्ट हुए थे जैसा मैंने बताया ट्यूसडे को रिपोर्ट सही, तो एडमिट होने के बाद कल से अभी 2 दिन टेस्ट उनके वापस चल रहे हैं पूरी बॉडी के। आराम से टेस्ट चले आज उनके, आई टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बार बार आ रहा है वो यही आ रहा है, एनीमिया। और
बाकी थोड़ी एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो बस आप सब प्रे कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। और विटामिन B12 का एक दिन में एक इंजेक्शन लगेगा, आज लग गई है उनको, अभी शाम को 2 ड्रिप लग गई हैं और एक इंजेक्शन लग गया है, तो आई होप उनको जल्दी आराम मिल जाए। और डॉक्टर ने बोला है अगर ये इंजेक्शन से आराम नहीं मिला तो फिर ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो देखते हैं। अब हम तो बस सब यही प्रे कर रहे हैं कि ब्लड चढ़ाना ना पड़े, इसी से आराम मिल जाए। और वो कुछ खा भी नहीं रहे थे क्योंकि ब्लड कमी हो गई थी और लीवर पे थोड़ा सा स्वेलिंग था, तो उनसे कुछ खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने शुरू किया है खाना। तो बस आप लोग ऐसे ही प्रे कीजिए कि उनको आराम मिल जाए, इसलिए मैंने आप सबके साथ ये वीडियो शेयर की। मेरा दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है, जल्दी से सुबह हो और जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। जब घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो दिल नहीं लगता है, तो मैंने सोचा मैं बैठे बैठे कुछ नहीं तो आप लोगों के साथ अपडेट शेयर भी कर देती हूँ। और फिर आगे का जो अभी ये मैंने अभी भी मैंने ये बहुत कम बताया है आपको, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। फिर धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, फिर जब वो ठीक हो जाएंगे फिर हम दोनों मिलकर भी वीडियो बनाएंगे, तो और बीच बीच में चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी आपके साथ जो भी होगा आगे से। तब तक के लिए आप सब प्रे कीजिए हमारे लिए कि बस जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और जल्दी रिलीफ मिल जाए इंजेक्शन से ही, और सब कुछ अच्छा हो हमारे साथ। थोड़ी मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर, 15-20 दिन से हमारे दिन ऐसे ही टेंशन में निकल रहे हैं इस वक्त, तो बस आप लोग दुआ कीजिए। और अभी मेरे इस वक्त जो भी मेरा हुलिया हो रहा है इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी अभी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं समझ आता है तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गई। ट्राईपॉड वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं इस रूम में आकर बैठ गई हूँ, यहाँ एक स्टैंड है उस पर फ़ोन रख दिया, तो ऐसे शूट कर रही हूँ। जैसा भी आप सबके साथ मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, और बस प्रे की ज़रूरत है, आप बहुत प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। प्रेशर है तो ठीक है, दिन बाद।